बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न जिनका भी है आज आप पूछ सकते हैं, और जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। राधे राधे महाराज जी। जी भैया महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो बुरा कर्म हो चाहे भला कर्म हो, तो जब कर्म का फल मिलना ही है हाँ, तो फिर भक्ति पूजा क्यों की जाए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में जब एक व्यक्ति महाराज जी से बोले कि गुरु जी, जब हमें अपने कर्मों का फल मिलना ही है तो फिर पूजा भक्ति क्यों करना, इस पर देखिए महाराज जी क्या बोले। राधे राधे महाराज जी। जी भैया महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, सुबह जब यहाँ भागवत हो रही थी तो एक चर्चा चली, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो बुरा कर्म हो चाहे भला कर्म हो। जैसे कि आपने बताया कि मातंग ऋषि बचपन में उन्होंने जो है बमीरी के काटा चुभाया था तो उनको जो है दंड मिला, तो जब कर्म का फल मिलना ही है हाँ, तो फिर भक्ति पूजा क्यों की जाए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न। कर्म का फल तो मिलना ही है, फिर भक्ति पूजा करने से क्या फायदा? सही है। एक गुरु के दो चेले थे जी, एक वैश्या के घर जाता था उसका मुजरा देखने, आदत बिगड़ गई कुसंग। एक चेला सत्संग करने आता था, कथा सुनता कीर्तन करता भगवान के प्रेम में रोता। जो वैश्या के घर जाता था, एक दिन उसे सोने से भरी थैली, इतने सारा सोने का सिक्का जी रास्ते में मिल गया। वो तो भैया माला माल, और ये सत्संग करके गया तो लोहे की कील पांव में घुस गई, आर पार हो गई। लंगड़ाता हुआ वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने निकाला दवाई भाई भरी। गुरु जी के पास गया, गुरु जी भगवान गलत है। क्यों? वो वैश्या का संग करता है तो उसे धन धान्य दे दिया भगवान ने जी, और मैं भजन करता हूँ दिन रात रोता हूँ तो मुझे कील और घुसा दी। कैसा न्याय है आपके भगवान का? गुरु जी बोले, बेटा तू वर्तमान को देख रहा है, तू भविष्य को और भूत को नहीं जानता, तू वर्तमान में है बस, प्रेजेंट में। वो जो वैश्या के घर जाता है, आज के दिन उसे सम्राट बनना था, राजा कहीं का राजा बनना था, उसके पुण्य ज्यादा थे पिछले जन्म के, परंतु उसने वैश्या का संग किया तो उसकी राज सत्ता को भगवान ने जरा से सोने में तब्दील कर दी जी। इतना सा दिया, चल इतने में अब इतना मिलना था, इतना सा मिला, पुण्य तो था, पुण्य का फल तो मिलेगा। और आज के दिन तुझे मरना था, आज तेरी मृत्यु थी, पर तू सत्संग करता था तो भगवान ने तेरे प्रेम भक्ति को देखकर तेरी मृत्यु को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। बहुत बढ़िया। तो हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलना है, परंतु जो इतना मिलना था इतने में टल जाएगा। मरना था, मैं स्वयं अपनी बात करूं, मैं 20 फीट ऊपर से गिर गया था छत से 2013। जानकारी है मुझे। अब बताओ, आदमी बाथरूम में फिसल के गिर जाता है, मर जाता है, मैं नहीं मरा, तो बताओ मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि भगवान ने इस कार्य के लिए बचाए रखा था जी। तो मेरी एक बात बताऊं, मैं तो उस दिन मरना ही था मुझे, जब मैं गिरा 20 फीट ऊपर से, सिर के बल गिर जाता, कोल्हू के बल गिरा, कोल्हू टूटा, लेकिन भगवान की कृपा है ना, उस दिन तो मेरे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन उस जीवन के अंतिम दिन को भगवत कृपा ने बचा लिया, ये कृपा है। तो भक्ति क्यों करें? जब कर्मों का ही फल मिलना है तो भक्ति इसलिए करें क्योंकि आपकी भक्ति से
आपके भगवत प्रेम से जैसे दीपक के जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की शरण में जाते ही जन्म जन्म के पाप जो भोगना ही था वो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोट यघ नासहि तब ही जो मेरे सन्मुख आ जाता है। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरी शरण में है मैं उसके सारे अपराध पाप क्षमा करके मोक्ष का अधिकारी बना देता हूँ। पूतना मौसी ने कौन सा पुण्य किया था? मारने ही तो गई थी भगवान को, पर गति कौन सी थी? जो अपनी माँ कौशल्या को देंगे, जो माँ यशोदा को देते हैं। रावण कौन सा अच्छा काम किया? जो पिता की गति की वही रावण की। तो भगवान तो दयालु हैं, हमारे पुण्य इतने नहीं हैं, आपके पुण्य इतने नहीं थे कि आप वृंदावन आ जाओ, मेरे पुण्य इतने नहीं थे कि मैं वृंदावन में रह सकूं, लेकिन ये मेरे पुण्य का प्रभाव नहीं है, ये तो गोविंद की कृपा है कि हम यहाँ हैं। एक प्रश्न और, सुबह आप बता रहे थे मतलब मैं करीब 35 साल से भोले बाबा की पूजा कर रहा हूँ। सुबह मैंने आपसे वो लिया, दीक्षा ली मैंने आपसे, तो आपने कहा आप इस मंत्र का जाप करना है, तो क्या वो मैं जो मतलब माँ मृत्युंजय जाप करता हूँ मैं शिव जी, शंकर जी, शिव जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति ही, शंकर जी जब आप पर कृपा करेंगे तभी भगवान शिव आप पर कृपा करके आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर भेजेंगे, बिना शिव की कृपा से। शंकर जी स्वयं रास मंडल में गोपी बनकर आए जी, तो शंकर जी जिस पर आप पर कृपा हो गई, जिस पर शिव जी कृपा करें वही भगवान कृष्ण की ओर आएगा, बिना शिव की कृपा के ये जो छत है ना, ये छत तब तक नहीं डल सकता जब तक वेश तैयार ना हो, नींव तैयार ना हो, नींव नहीं है तो आप छत क्या डालेंगे। उसी प्रकार कृष्ण की उपासना वही कर सकता है जिसने किसी न किसी जन्म में शिव की उपासना की हो, या तो इस जन्म में की हो आपने, या तो पिछले जन्म में की हो आपने। मैंने भी बचपन में खूब शिव जी की आराधना की और उनकी कृपा ही आज भगवान कृष्ण की चरणों में, भगवान शिव का ही तो अपन लोगों पर क्या है, माता की कृपा, पिता की कृपा, गुरु चरणों की कृपा, हमारे इष्ट हमने हनुमान जी की पूजा की, हनुमान जी की कृपा, शंकर जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, सबकी पूजा का फल ये मिला कि हमें कृष्ण के चरणों की प्रीति रत्ती भर प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही, तो भगवान से ये प्रार्थना हो जाए। एक बस आखिरी प्रश्न सर, ये विदुर जी धर्मराज के वो थे अवतार थे, हाँ, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस सभा में वो भी मौजूद थे, विदुर जी छोड़ के चले गए थे ना वो सभा, चले गए, हाँ विदुर जी छोड़कर चले गए थे, इसलिए विदुर जी हैं, इसलिए उनके माथे पर कलंक नहीं लगा। वही मेरा प्रश्न है कि जब वो थे वहां पे, हाँ नहीं वहां नहीं थे, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उन्होंने रोका, खबरदार दुर्योधन दुशासन, उन्होंने रोका, जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा जब हमारी बात, हम तो यहाँ रह के क्या करेंगे, छोड़ के चले गए। या तो धर्म को अधर्म को रोको, यदि आपका वश नहीं है तो आप उसका त्याग करो। गुरुजी हमारा एक नियोडा में मकान लिए हैं गुरुजी, आज करीब 9 साल हो गया, और वो गुरुजी इतना पैसा मैं कम से कम लगा चुके हैं, 80-90 लाख रुपए लग चुका उसमें, अब मकान गुरुजी पूरा हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, और बढ़ता जा रहा मकान? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जा रहा है, कहीं टाइल व्हाइट टाइल ब्लैक हो जा रहा है, ऐसे टाइल गिर जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, कहीं तो लगाने वाले अच्छे से लगा रहे हो? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे कारीगर लगाए हैं, सब कुछ किए गुरुजी, उसको मकान पे इतनी परेशानी बढ़ रही है हम लोग के कि हम आपसे क्या बताएं गुरुजी, उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है। तो मुझे गुरुजी कोई बोला है आपके लिए कि उनको गुरुजी मिले तो आप उनसे बात करिए कि काहे इस मकान में क्या कमी है, क्या मकान में आप लोग रह रहे हैं? नहीं गुरुजी उसमें नहीं रहते हम। अच्छा, हम यहाँ वैशाली में रहते हैं गुरुजी, आनंद विहार वैशाली है, गाजियाबाद, हम वहाँ रहते हैं, वहाँ से गुरुजी हम आए हैं, इसलिए मुझे मकान का बहुत कष्ट है कि मेरा पैसा भी लग गया, मकान तैयार भी नहीं हो रहा गुरुजी, और मेरे एक ही बेटा है। उस मकान में ओपनिंग हो गई अभी उस मकान की? नहीं गुरुजी अभी नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा गुरुजी, तो हम कैसे करें? कोई बात नहीं, जितना हो गया उसी में सुंदरकांड का पाठ करा लो। अच्छा गुरुजी, सुंदरकांड का पाठ कराओ बढ़िया से। अच्छा, और किसी सुंदर किसी ब्राह्मण को बुलाकर। अच्छा, और नारायण कवच का पाठ कराओ वहाँ। अच्छा गुरुजी, क्या पाठ कराएंगे? नारायण का, नारायण कवच, नारायण कवच का पाठ, पाठ। अच्छा गुरुजी, तो इसीलिए गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें गुरुजी, इसीलिए हम वो कराएंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दोष होगा, भूमि का भी कुछ दोष होता है कई बार। अच्छा गुरुजी, तो पुण्य करने से वो सारे दोष समाप्त हो जाए, जब घर बनाए थे तो भूमि पूजन किया था कि नहीं? हाँ गुरुजी, उसका भूमि पूजा किए थे। ठीक है, हाँ। तो सुंदरकांड का पाठ और नारायण कवच का पाठ कराइएगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे।
खुश रहिए। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं, तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।